हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप इस टाइप्स की एडिटिंग कैसे कर सकते हो। ये वाला मॉडल था, इसको मैंने यहाँ से हटा के इसके साथ सेट कर दिया, गर्ल्स के साथ। तो आप भी इस टाइप्स की अगर एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो जो भी मैं PNG और बैकग्राउंड्स यूज़ करूँगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है, और इस वाले बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है, तो और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है, रिसाइज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है 6000। लिखने के बाद यहाँ पर नीचे जो आ रहा है 25 बराबर में, जो आपकी स्क्रीन पर आता है वही आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको रिसाइज पर क्लिक करना है, क्योंकि इससे फ़ोटो HD हो जाती है और हमारी फ़ोटो को कोई लॉस नहीं होता। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो को इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देख लेना, आप बैकग्राउंड को रिमूव करना सीख जाओगे। मैंने इस वीडियो में परफेक्ट तरीके से समझाया है। तो फिर आपको क्या करना है, इस वाली फ़ोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ, और एक गर्ल्स की PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले को लेना है और यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको इधर लाना है, और इस वाले को आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ऐसे डन करना है, और इसको कुछ इस साइज़ से बड़ा कर लेना है। ऐसे बड़ा करने के बाद इस गर्ल्स को लेना है, और इसको भी आपको कुछ इस साइज से बड़ा कर लेना है, और आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे सेट होता है वैसे ही आपको करना है। तो ऐसे सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर ये दोनों PNG को आपको सिलेक्ट कर लेना है, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है, और इसको आपको कुछ यहाँ पर सेट करना है, और इस वाले को आपको ऐसे घुमा देना है, और इसको यहाँ पर सेट कर लेना है, और जो ये वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, और इसको आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको डन करना है। डन करने के बाद आपको इधर आना है, यहाँ पर ड्रॉ वाले टूल में क्लिक करना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से इस फ़ोटो को सेव कर लेना है। और अब इस फ़ोटो को लेकर चलना है हमें लाइट रूम के अंदर, वहाँ पर हम थोड़ी बहुत रिटचिंग करेंगे और फ़ोटो को एकदम रियल बनाएंगे। तो चलते हैं लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम में आने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद एक प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वाली प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। तो मैं ये वाला प्रीसेट डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर आपने जो फ़ोटो अभी एडिट की है उस वाली फ़ोटो को ले लेना। तो पिक्सआर्ट से हमने ये वाली की थी, इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों फ़ोटो को आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो दोनों फ़ोटो ऐड हो गई है, और फिर आपको यहाँ पर ऑल फ़ोटो पर क्लिक करना है, और फिर इस वाली प्रीसेट पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने प्रीसेट ओनली आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना, यहाँ पर कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना, और इसको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपकी उस वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 3 डॉट पर आना है, और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो ओनली 1 सेकंड में आपकी फ़ोटो इस टाइप्स की एडिट हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो एक लाइक, और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मतलब कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।